चाट मसाला बहुत ही वर्सेटाइल होता है और हम इसे पापड़, फ्रूट चाट, रायता, सैलड्स या फिर और भी बहुत सारी डिशेस में यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चाट मसाला बनाने की बहुत इजी और टेस्टी रेसिपी, जिसे आप काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स, मैं हूँ शिल्पी। तो आइए देखते हैं चाट मसाला बनाने की एक चटपटी सी रेसिपी। इसके लिए चाहिए होंगे कुछ मसाले, तो यहाँ पर मेरे पास है ज़ीरा, मैंने यहाँ पे आधा कप ज़ीरा लिया है, 3 टेबलस्पून काली मिर्च, तो बेस जो चाट मसाले का होता है वो ज़ीरा और काली मिर्च से बनता है। इसके साथ ही इसमें चाहिए होता है काला नमक, तो ये 2 टेबलस्पून भर के काला नमक, आधी टीस्पून हींग, यहाँ पर मेरे पास है जायफल, तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चाट मसाले में, आप इसे स्किप ना करें। यहाँ पर मेरे पास है नमक 2 टेबलस्पून, थोड़ी सी फ्रेश मिंट लीव्स, और यहाँ पर है आधा टीस्पून सौंठ का पाउडर, मतलब सूखी हुई अदरक का पाउडर, 1.5 टीस्पून साइट्रिक एसिड, या जिसको टाटरी भी कहा जाता है, या नींबू के फूल कहते हैं जिसको, 2 टेबलस्पून भर के ड्राई मैंगो पाउडर या अमचूर पाउडर, और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। तो आइए अब चाट मसाले के लिए मसाले भूनते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ एक पैन लिया है और हम इसको बिल्कुल धीमी आँच पर गर्म करेंगे और इसमें ज़ीरा डाल देंगे। इसको चलाते हुए थोड़ी देर तक हमें भूनना है, तो यहाँ पर हमें ज़ीरे को उतना नहीं भूनना है जैसे कि हम ज़ीरा पाउडर बनाने के लिए भूनते हैं, मतलब बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस इसको हल्का सा रोस्ट करना है। ज़ीरा हल्का सा रोस्ट हो चुका है, हम इसमें डाल देंगे ये ब्लैक पेपर कॉर्न्स या काली मिर्चें, और इनको भी हल्का सा भून लेंगे। आप थोड़ा सा ज़ीरा मुँह में डाल के देखें तो आपको एकदम क्रिस्प लगना चाहिए खाते समय, इसका मतलब है कि ज़ीरा तैयार है। तो मेरा ज़ीरा और काली मिर्च तैयार है, हम इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको बिल्कुल ठंडा होने देंगे। जब तक ज़ीरा और काली मिर्च ठंडा हो रहा है, हम यहाँ पर पुदीने को रोस्ट करेंगे। तो इस पैन में ये मैं कुछ फ्रेश पुदीने के पत्ते डाल दूँगी, 20 से 25 पत्ते होंगे कुछ, और इनको धीमी आँच पर बिल्कुल हमें सौते करना है और क्रिस्प होने तक भून लेना है। तो आप इन पुदीने के पत्तों को माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, आप इनको हल्का छांव में रखे सुखा भी सकते हैं, पर मुझे ये प्रोसेस बहुत इजी लगता है कि आप फटाफट बस पैन में ही इनको क्रिस्प कर लें। तो इसको चलाते रहें जिससे कि पत्ते जो हैं एक सार सिक सकें और अच्छे से रोस्ट हो सकें। पत्तों को मैंने हल्का सा रोस्ट कर दिया है, अब मैं गैस को ऑफ कर दूँगी और इसको थोड़ी देर इसी तरह भूनती रहूँगी, क्योंकि पैन अभी बहुत गर्म है, तो थोड़ी देर में ये पत्ते एकदम क्रिस्प हो जाएंगे। ये देखिए पुदीना जो है अब एकदम क्रिस्प हो गया है, अगर आप इसको दबा के देखेंगे, ये देखिए एकदम प्रॉपर तरीके से आप इसको चूरा कर सकते हैं, इसका महीन कर सकते हैं, इसका मतलब ये तैयार है। और आइए अब मैं दिखाती हूँ कि इसमें और भी इन्ग्रीडियंट्स डाल के हम चाट मसाला कैसे बनाएंगे। इसको पीसने के लिए मैंने यहाँ पर मिक्सी का सबसे छोटा वाला जार, जिसे चटनी जार कहा जाता है, वो लिया है। इसमें हम डाल देंगे ये भुना हुआ ज़ीरा और काली मिर्च जो बिल्कुल ठंडा हो चुका है, 2 टेबलस्पून अमचूर पाउडर या खटाई पाउडर, इसमें डाल देंगे काला नमक, सादा नमक, सौंठ का पाउडर, लाल मिर्ची, टाटरी, पुदीने के पत्ते जो कि हमने डिहाइड्रेट किए थे, हींग, और थोड़ा सा डालेंगे नटमेग या फिर जायफल। तो ये बिल्कुल तैयार है और इसको पीस लेंगे। इसको पीसने के लिए आप मिक्सी एक बार में नहीं चलाएं, मिक्सी को कई बार चलाएं और बार बार बीच में ढक्कन हटा के मसाले को अच्छे से चम्मच से मिक्स करते रहें, जिससे कि वो ऊपर नीचे होता रहे, इससे मसाला एक सार पिसेगा। तो अब मैं आपको मसाला पीसने के बाद दिखाती हूँ। चाट मसाले को मैंने पीस लिया है और यहाँ पर मैंने एक छन्नी ली है, मैं इसमें इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी और अब हम इसको छान लेंगे। तो इससे क्या होगा कि इसमें अगर कुछ भी बिना पिसा रह गया होगा तो वो निकल जाएगा। तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा बिना पिसा ये सामान रह जाता है, इसलिए मैंने इसको छाना है। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट और बढ़िया चाट मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। और आप इसको किसी कांच के ड्राई बॉटल में स्टोर करें और ये 6 से 8 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ट्राई ज़रूर करें और हमें फीडबैक में बताएं कि आपको कैसा लगा। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।